Alright, so hi everyone, my name is Satvik and welcome back to my channel. तो आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं मिसिसागा और मुझे वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में एज अ स्टूडेंट एम्बेसडर इन्वाइट किया गया है. सो लेट्स गो. वीडियो बनाने का मेरा मेन रीज़न ये था कि देखो अब मैं वहाँ पे जा तो रहा हूँ इनॉग्रेशन में, लेकिन कई बार ये हो जाता है कि जब हम कोई नए सिटी में जाते हैं, सब दोस्त लोग और सब जाते हैं जब साथ में, तो ऐसा होता है कि भाई इंडियन जो फूड है वो खाते हैं यहाँ पे, लेकिन यूजुअली पता नहीं चलता ना कि कहाँ से इंडियन फूड खाना चाहिए. तो मैंने सोचा कि अब इनॉग्रेशन में जा ही रहा हूँ तो साथ ही साथ एक ब्लॉग भी बना लेंगे, उस बहाने टेस्टिमोनियल्स भी मिल जाएंगे लोगों के. तो स्पीड लिमिट 100 की होती है यहाँ पे और पुलिस जो है वो थोड़ा आपको लीवे देती है, अदरवाइज अगर स्पीड लिमिट पे पकड़ लिया आपको, OPPL है जो मतलब प्रोविंशियल पुलिस है, उसने आपको पकड़ लिया तो आपको फाइन कर देगी और बहुत ही ज़्यादा स्पीड है आपकी तो आपकी गाड़ी भी इंपाउंड कर सकते हैं. तो इसमें बस एक हैक बोलो या ट्रिक बोलो, सबसे सिंपल हैक तो यही है कि भाई ओवर स्पीडिंग मत करो, लेकिन फॉर सम रीज़न आपको ओवर स्पीडिंग करना है. सो देयर इज एन एप्लीकेशन कॉल्ड वेज. अब वेज का आप चाहे प्रीमियम यूज़ करो या जो स्टैंडर्ड वर्जन है वो यूज़ करो, लेकिन उसमें वो बेसिकली क्राउड सोर्सिंग एक एप्लीकेशन है जिसमें से आपको पता चल जाता है अगर आपके आसपास कहीं पे भी पुलिस है तो उसमें आपको दिख जाएगा कि भाई इतने डिस्टेंस पे इस एरिया में पुलिस है. कई बार क्या होता है पुलिस पेड़ों के बीच में अपनी गाड़ी लगा के अपनी स्पीडिंग गन को लेके बैठे होते हैं, तो अगर आपको इससे बचना है तो या तो ओवर स्पीडिंग मत करो या फिर आप वेज एप्लीकेशन यूज़ करो. अब जैसे मेरी कार की जो स्क्रीन है यहाँ पे, मैंने गूगल मैप्स इसमें चल रहा है तो उसमें यहाँ पे दिख गया कि अभी आने वाली लोकेशन में स्पीड ट्रैप है, मतलब वहाँ पे कोई छुप के स्पीड गन लेके बैठा है. तो आप चाहे तो ये भी फॉलो कर सकते हो और आप वेज भी फॉलो कर सकते हो. बिफोर पीपल स्टार्ट रशिंग इन, एक छोटी सी टूर कर लेते हैं हम. सो दिस इज कॉल्ड द इंडियन मैशअप ईटरी. तो इस जगह का जो मेनू है वो काफी इलैबोरेट है. तो पहले शुरू करते हैं हम डिजर्ट से. तो सबसे पहले है यहाँ के फ्रीक शेक्स जो होली शेक्स का मेनू है. यहाँ पे ओरियो मिल्क शेक्स मिलते हैं, रसमलाई मिल्क शेक है, नटेला मिल्क शेक है, रेड वेलवेट मिल्क शेक है और ऐसे बहुत सारे शेक्स हैं. फिर जो केक्स हैं दे आर मेड इन कोलैबोरेशन विद द चीज केक फैक्ट्री. और अब ये है काथी रोल्स का मेनू जहाँ पे आपको वेजिटेरियन चीज़ें भी मिलेंगी और वीगन चीज़ें भी मिलेंगी. मोमोज भी है, टाकोज भी है, बर्गर्स भी है, लेकिन इन सारी चीज़ों की खासियत ये है कि ये फ्यूजन फूड्स है, मतलब मैक्सिकन भी है और इंडियन भी है. तो बेसिकली हर विदेशी चीज़ में देसी तड़का है. तो जैसा कि हमने देखा अभी बाहर बहुत ही सीवियर वेदर कंडीशंस है, जिसकी वजह से बाहर की इवेंट तो नहीं होगी, लेकिन अब इवेंट अंदर ही हम करेंगे. अभी थंडरस्टॉर्म और टॉर्नेडो की वार्निंग थी. सो नाउ वी विल मीट समवन हु इज गोइंग टू एमसी टुडेस इवेंट. सो लेट्स सी व्हाट शी हैज टू से. Hello and welcome. My name is Neely Shah. I do professional dancing and choreography for weddings, shows, any kind of events that you have. I also do event and wedding planning as well as for this specific hard launch we're doing an MCing and hosting. So please feel free to add me on Instagram. It's Neely_5 and I look forward to hearing from you. ऑलराइट, तो अब हम मिलते हैं उनको जिन्होंने मुझे पर्सनली यहाँ पे इनवाइट किया था एज अ स्टूडेंट एम्बेसडर और जिनको आप पहले भी नायग्रा के ब्लॉग में मिल चुके हो, सचिन अंकल, जिनको प्यार से मैं अंकल कूल बोलता हूँ. हेलो एवरीवन, टुडे वी आर हियर टू ओपन अवर स्टोर और आज हमारी ग्रैंड ओपनिंग डे हम अभी से लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम एवरी परचेज के साथ एक आइटम फ्री दे रहे हैं और वो फ्री आइटम 4 है. आप उसमें से कुछ भी पिक कर सकते हो. उसमें हो सकता है आप चीज़ केक ले सकते हो या ओरियो चीज़ केक ले सकते हो या फिर स्कूप ऑफ द रसमलाई और स्कूप ऑफ द कुकी डो आइसक्रीम. सो
आप कुछ भी परचेज करो और ये आइटम्स फ्री लेके आप अपनी हमारी मील आप एंजॉय कर सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स को और फैमिली को भी इनवाइट कर सकते हो। अगर आप आओगे और आप स्टूडेंट हो तो चेक विद अस, वी विल प्रोवाइड यू अ स्टूडेंट डिस्काउंट एज वेल ऑन टॉप ऑफ दिस। यस, स्टूडेंट डिस्काउंट, क्या बात। So I am with Mr. Rudy over here, and he's a member of Provincial Parliament. So he's got a few words to say to all of the students. Well, you know what I want to first say is congratulations on your graduation during the last year. And I know that their future is, the world is here for you. But I'm here at Holy Shakes and I'm looking at their menu. I look at the buttered chicken, the buttered chicken poutine. These are great foods and I want you to come out here and try it right at Mississauga Lakeshore. And it's a great menu for you guys to have. Come out here and try the food. Definitely. And what's your favorite food item so everybody knows it's a trivia? Okay, I'm going to tell you about my favorite, buttered chicken. I love buttered chicken. Right, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Have a great day. Thank you. I am with Madam Mayor today, and she has a few words to say to all of us students. So let's hear what she has to say. Thank you all, and I'm so excited for the opening of this new location, the second one in Mississauga, and soon we're going to have three. And I love Indian food, so I'm sure you'll all want to come out and try Holy Shakes. And you can see up here, Cafe Royal Eatery and Holy Shakes Sopa. They have amazing flavors, so many flavors I couldn't even list them all, but very interesting fusion of foods, and you're going to love it. So come on out. Thank you so much. तो बस यही था आज का छोटा सा इवेंट, और वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि यहाँ पे जो इवेंट हो रही है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर पाऊँ, पता भी चले आपको कि एक नया ऐसा रेस्टोरेंट है, स्टूडेंट डिस्काउंट भी है। थैंक यू सो मच। मज़ा आया मुझे आज की इस इवेंट में, कुछ लोगों से मिला, कुछ लोगों के डॉग से मिला, यहाँ के मेयर से मिला, प्रोविंशियल पार्लियामेंट मेम्बर से भी मिला, तो अच्छा लगा मिलके, और उन्होंने भी अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर की हमारे साथ। सो इट वॉज़ अ नाइस इवेंट। So I hope आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो। I'll see you guys around. Thank you so much.